हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल आपको इस सेशन में सिमेंटेक इनपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर का मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के बारे में बताता हूँ। तो आइए देखते हैं कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और कैसे रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। तो आप जब आप सिमेंटेक लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा। क्लाइंट के स्टेटस, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कितने क्लाइंट्स अपडेट हैं और कितने आउटडेटेड हैं, ऑफलाइन कितने हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, वायरस रिस्क में कितने क्लीन, ब्लॉक, डिलीटेड, ये एक्सप्लॉइट्स हैं, और आपके विंडो डिफिनीशन क्या है, जो भी कंटेंट इसका डिफिनीशन अपडेटेड है या लास्ट डिफिनीशन क्या है। तो आप ये देखेंगे लेटेस्ट फ्रॉम सिमेंटिक और लेटेस्ट फ्रॉम मैनेजर। तो डिफिनीशन का एक डेट है कि डिफिनीशन कब का अपडेटेड है। तो ये आपके डैशबोर्ड पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसके अलावा अगर डिटेल में आपको मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करनी हो तो यहाँ पे दो टैब बने हुए हैं, मॉनिटरिंग और रिपोर्ट्स। तो मॉनिटरिंग में आते हैं। मॉनिटरिंग में आपको समरी पेज में आपको रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन बाई सोर्स और न्यू रिस्क सोनर। जब आप ये सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोडक्शन मैनेजर किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज करेंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप मिलेगी कि रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत से रिस्क आएंगे जो कि उसका रिस्क का सोर्स, अटैक्स और के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स है। ये तो नया इंस्टॉलेशन है, जस्ट फॉर डेमो पर्पज से ये मैंने इंस्टॉल किया है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्क वगैरह का इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ से आप वायरस, नेटवर्क, होस्ट कंप्लाइंस का समरी ले सकते हैं, साइट स्टेटस, जो जितनी साइट्स हैं, माय साइट है गुड, स्टेटस गुड है, कंप्लाइंस देख सकते हैं, और नेटवर्क होस्ट एक्सप्लॉइट मिटिगेशन के बारे में देख सकते हैं, और उसी तरह लॉग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टेटस का, एप्लीकेशन कंप्लाइंस, सोनर रिस्क स्कैन सिस्टम। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टम का और डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और वी लॉग 24 आवर की का है। तो यहाँ पे आप लॉग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग ऑन सक्सीड, लॉग आउट, तो ये लॉग चेक कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है लॉग जनरेट कर सकते हैं और उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह एक है कमांड स्टेटस। कमांड स्टेटस ऐसा होता है जैसे कि आपने क्लाइंट्स पे और एडमिन ग्रुप पे या आईडीएस ग्रुप पे या किसी भी ग्रुप पे आपने राइट क्लिक करके कोई कमांड रन किया, रन ए कमांड ऑन द ग्रुप, स्कैन, अपडेट कमांड, अपडेट कंटेंट एंड स्कैन, तो काफ़ी से कमांड्स यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। और जैसे मैंने अपडेट कंटेंट एंड स्कैन कमांड अगर हमने दे दिया और यस एक्टिव स्कैन ओके, तो आप स्टेटस देख सकते हैं कि इस कमांड का जो इस कमांड मैंने दिया है तो उसका क्या स्टेटस। यस, ये देखिए जैसे मैं ऑनिटिक के कमांड स्टेटस में आया तो ये है इशू डेट, इशूड बाई एडमिन, कमांड से अपडेट कमांड एंड एक्टिव स्कैन डिस्क्रिप्शन। तो अभी स्टेटस है नंबर ऑफ क्लाइंट अफेक्टेड वन, क्योंकि उस ग्रुप में एक ही क्लाइंट है तो एक ही दिखा रहा। कंप्लीशन स्टेटस अभी 0% है, तो वेट थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो आप ये कंप्लीशन स्टेटस 0 से लेके 100 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका कंटेंट अपडेट हो जाएगा और जो मैंने कमांड दिया है इसे अगर 100% यहाँ जहाँ कंप्लीट हो जाता है तो वो मतलब कमांड
कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो भी हम कमांड देते हैं, तो यहाँ से कमांड टैब से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जैसे किसी तरह का कोई लॉग्स है या इवेंट जनरेट हो रहे हैं या इस तरह का, तो अब नोटिफिकेशन जा रहा है कि वो नोटिफिकेशन आपके मेल पे सेंड हो। तो इस तरह का नोटिफिकेशन आप जनरेट करके आप मेल पे सेंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कंडीशन यहाँ पे है, जैसे कि बहुत से इसमें प्री डिफाइंड बने हुए हैं, जैसे कि पैड लाइसेंस इशू और रिसर्वर, न्यू क्लाइंट सॉफ्टवेयर, फाइल रिप्यूटेशन डिटेक्शन, वायर डिफरेंस आउट अपडेट, इस तरह का। तो इस तरह के हैं, जैसे सेलेक्ट किया, कोई ऐसे क्लाइंट है जो आउट आउट अपडेट है, तो आपको एक मैसेज सेंड हो जाए कि पर्टिकुलर क्लाइंट पर्टिकल में कितना डिफिनेशन आउटडेटेड है। तो इस तरह का ये है। तो एक आपको अलार्म जनरेट करने के लिए होता है कि आपको एक मैसेज मिल जाए मेल के थ्रू। तो ये नोटिफिकेशन ऑप्शंस हैं। तो इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नया नोटिफिकेशन कंडीशन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे नए तरह का। तो इस तरह आप सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के क्लाइंट्स और मैनेजर और अपडेट एडमिनिस्ट्रेटर का मॉनिटर कर सकते हैं लॉग्स वगैरह का। और उसी तरह आपके जो है रिपोर्ट्स हैं, तो आप जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें रिपोर्ट टाइप है ऑडिट, एप्लीकेशन है डिवाइस कंट्रोल, कंप्लायंस, कंप्यूटर स्टेटस, नेटवर्क एंड हॉस्ट एक्सप्लॉइट, रिस्क स्कैन, समथिंग इस तरह के हैं। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंप्यूटर स्टेटस है, पॉलिसी, वायरस एंड डिफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफॉल्ट और क्रिएट रिपोर्ट। यस, ये देखिए आपका एक रिपोर्ट जनरेट हो गया। डिफिनेशन ये है, वर्जन ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये, नंबर ऑफ कंप्यूटर 3 है, परसेंटेज 100% अपडेटेड है, टोटल 100%। तो इस तरह आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और इस तरह रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के बारे में रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सेशन लाइव।